हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज मोशन। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। ये हमें यहां पर 30 डेज का डेटा दिया गया है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि मॉइस्चर होता है टेम्परेचर में, वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको नोट डाउन करके हमें ये डेटा दे दिया गया है 30 डेज का। तो हमें ये बताना है, construct a group frequency distribution table with class 84 to 86, 86 to 88. That means 2% के difference से हमें classes बनानी है। ये हमें class size दे दिया गया है। And then ये हमें बताना है which month or season do you think this data is about? हमें ये बताना होगा कि ये जो record हमें दिया गया है कि हमें क्या लगता है ये किस season का record है, okay? And now what is the range of this data? हमें इस डेटा की रेंज भी बतानी है। दैट मींस हाईएस्ट ह्यूमिडिटी एंड लोएस्ट ह्यूमिडिटी को डिफरेंस हमें बताना है। तो ये होगी इस डेटा की रेंज। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पर टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो टेबल के लिए जो हमें क्लास साइज दिया गया है वो 84 टू 86, दैट मींस 2% का क्लास साइज दिया गया है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ब्लॉक बनाएंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि परसेंटेज में हमें दी गई है। एंड यहाँ हम इस तरह से लाइन बना लेंगे, इधर हम टैली मार्क्स लगाएंगे एंड यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ओके, एंड नाउ यहाँ हम इस तरह से टेबल के इंटरवल्स बना लेंगे। ओके, सो फर्स्ट इंटरवल हमें बनाना है 84 टू 86, तो सेकेंड इंटरवल भी 86 टू 88 इस तरह से बन जाएगा। 88 टू 90, 92, 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 and 98 to 100। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो परसेंटेज है ह्यूमिडिटी की वो 99.2 है। तो हमें ये क्लास इंटरवल चलाते चलाते 100 तक ले जानी होगी ताकि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इस इंटरवल में आ जाएगी। ओके, एंड नाउ अब हम टैली मार्क्स लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये आया है 98.1, तो 98.1 यहाँ पर इसमें आएगा, तो यहाँ हम एक टैली मार्क लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लाइंस भी बना लेंगे सेपरेशन के लिए। ओके, तो इस तरह से हम एक रो हर एक इंटरवल के लिए ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने ये सभी सेपरेट कर लिया है ताकि हमारा ये एक्यूरेट डेटा रहे। ओके, एंड नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन है 98.6, तो ये भी यहाँ पर आएगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन 99.2, ये ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर रहेगी। 90.3, तो 90.3 दैट मींस 90 से आगे है एंड 92 से कम है, तो 90.3 यहाँ पर आएगा। 86.5, तो 86.5 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 86 से ज्यादा है एंड 88 से कम जो भी है वो यहाँ पर आएगा। ओके, नाउ 95.3 यहाँ पर 95.3 इस ब्लॉक में आएगा। 92.9 यहाँ पर आएगा। 96.3 से ज्यादा है एंड 94.2 यहाँ पर, ये 94.2, 95.1 और 89.2, तो 95.1 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 96 से कम है एंड 89.2 यहाँ पर आएगा क्योंकि ये 90 से कम है। ओके, 88 से ज्यादा एंड 90 से कम, यहाँ पर 92.3, तो 92.3 इस ब्लॉक में आएगा। 97.1 इस रेंज में आएगा। 93.5 यहाँ पर आएगा। 92.7 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ हम टैली मार्क लगा लेंगे। 95.1 यहाँ पर आएगा। 97.2 यहाँ पर आएगा। 93.1 यहाँ पर, तो ये एक क्रॉस टैली मार्क। 95.2 यहाँ पर, तो ये क्रॉस। 97.3 यहाँ पर। 96.2 भी यहाँ पर।
92.1 यहाँ पर आएगा तो अगेन एक पहली बार 84.9 फर्स्ट ब्लॉक में आएगा 90.2 यहाँ पर आएगा 95.7 यहाँ पर आएगा 98.3 लास्ट ब्लॉक में आएगा 97.3 यहाँ पर 96.1 भी यहाँ पर 92.1 यहाँ पर 89 यहाँ पर आएगा तो एक टैली मार्क। तो इस तरह से हमने ये सभी ऑब्जर्वेशंस के टैली मार्क्स लगा लिए हैं। अब हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर टू टैली मार्क्स है, यहाँ पर भी टू, 5, 6, 7 टैली मार्क्स, 5, 6 टैली मार्क्स, 5, 6, 7 टैली मार्क्स एंड यहाँ पर 4। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसीज भी हमने सभी निकाल ली है। अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो यहाँ पर ये बैठता है 30। That means, जो टोटल हमारा निकल के आया है वो 30 आया है। इसका मतलब ये टेबल सही बनी है, ओके? एंड नाउ अब हमें क्या बताना है, हमने ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है कि हमें टेबल बनानी थी। एंड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सीजन का डेटा हमें ये लग रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ह्यूमिडिटी की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में होती है। ह्यूमिडिटी को हम कैसे फील कर पाते हैं? नॉर्मली हम देख सकते हैं कि जो घर में स्नैक्स रखे होते हैं वो स्नैक्स क्रिस्पी नहीं रहते, सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर हम उनको ओपनली रख देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि रेनी सीजन में ऐसा सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी जो परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है वो बहुत ज्यादा है। 99.2 तक ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज जा रही है। तो 100% ह्यूमिडिटी की तरफ जा रहा है ये डेटा। दैट मींस ये रेनी सीजन का डेटा है। तो हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दे सकते हैं कि दिस डेटा इज अबाउट द रेनी सीजन एज, हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज सो हाई। ओके, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई नजर आ रही है, बहुत ही अप पे है। दैट मींस ये जो सीजन है ये रेनी सीजन का डेटा है। ओके, एंड नाउ थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछी गई है रेंज ऑफ दिस डेटा, रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज पता करने के लिए हमें हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ से नोट करनी होगी। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी 99.2। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करना होगा। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है 84.9। ओके, तो यहाँ हम 84.9 को माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज 3, 4, 1। तो ये हमने इस डेटा की रेंज भी फाइंड कर ली है। That means, इस पूरे डेटा से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये इस पूरे महीने में जो ह्यूमिडिटी को बढ़ना और घटना हुआ है वो उनमें दोनों में डिफरेंस सबसे ज्यादा 14.3 का रहा है। ओके, सबसे कम ह्यूमिडिटी 84.9 रही एंड सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी 99.2 रही है। ओके, तो इस तरह से हमने जो भी क्लास साइज दिया था उसके अकॉर्डिंग ही ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी है। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।